अस्सलाम वालेकुम डबल एम ट्रैवल के एक नए एपिसोड के साथ आपका मेज़बान नसरुल्ला नज़ीर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का ये एपिसोड वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस विलेज के ऊपर है। नाजरीन, किसी शख्सियत ने क्या खूबी कहा है कि सुकून दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। और शायर कहते हैं कि और फिर हुआ यूं कि रौनकों ने मुतासिर करना छोड़ दिया। नाजरीन, आज हम मैं आपको एक ऐसी प्लेस दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर हर तरफ सुकून ही सुकून है। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मुल्तान के अंदर एक खूबसूरत सा गांव मौजूद है। जी हाँ, आज हम आपको दिखाएंगे मुल्तान शहर के सेंटर में वाकया एक मिनी एक खूबसूरत सा विलेज। नाजरीन, नेचर का इंसान के साथ कोई मुकाबला नहीं बल्कि नेचर का इंसान के साथ एक रिश्ता है। ये बताएं कि गर्मियों में यहाँ का जो मौसम है कैसा होता है? ठीक हो रही है, गर्मियाँ नहीं हो रही है। गला डाढ़ी गला थोली जी जी सर्दी गला थोली गला डाढ़ी। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कच्चे मकानात भी हैं और पक्के भी। ये जो कच्चे मकानात हैं ये तो बहुत कदीमे पुराने अरसे से बने हुए होंगे। गरीब को अमीर जी जी कोठियाँ गरीब जी जी। और यहाँ पे तालीम वगैरह के लिए कुछ स्कूल वगैरह बनाए गए हैं इस इलाके में? स्कूल है पे उठे। अच्छा, पर ठीक। मेरे ख्यालों में नेचर तमाम परेशानियों में सुकून लाती है। नाजरीन, जब भी खूबसूरती की बात हो हम कनाडा, फ्रांस और इटली जैसे मुल्कों की बात करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान, पांच दरियाओं के सरजमीन वाले मुल्क को कैसे भूल सकते हैं जिसकी खूबसूरती को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जहां पर कई ऐसे गांव हैं जो खूबसूरती के लिहाज से किसी वादी से कम नहीं।